बना रही हूँ आमरस। ये बहुत ही पॉपुलर गुजराती डिश है, स्वीट है। तो यहाँ पर मैंने 3 अल्फांसो मैंगो लिया हुआ है और उसमें 1 कटोरी मैं शुगर ऐड करूँगी। आप चाहो तो शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हो। और मैं 1 ग्लास इसमें मिल्क यूज़ करूँगी और थोड़ा सा मैंने सेफ्रॉन स्टिक लिया हुआ है, ज़ाफ़रान है, और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने लिया हुआ है यहाँ पर कार्डेमम पाउडर, हरी इलायची का पाउडर। तो सबसे पहले अभी मैं करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है। देखिए ये चिल्ड है, इसको मैंने कुक कर लिया है और चिल्ड कर लिया है। तो अभी हमें करना कुछ नहीं है, बस इन सबको हमें पीस लेना है। इसको पहले मैं पील कर दूंगी यहाँ इसको, और देन इसको चॉप करके मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए इस तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है मैंने। एंड देन फिर अब मैं इसको सारी चीज़ों को पीस लूंगी, मिक्स कर लूंगी। और इसे आप आम रस और पूरी के साथ में खा सकते हो। ये आम रस है, आप इसको पूरी के साथ में खा सकते हो। मैं आम रस ऐड कर लिया है इसके अंदर मैंगो, और फिर इसके अंदर मैंने मिल्क ऐड कर दिया है, चिल्ड है। शुगर ऐड करूंगी मैं इसके अंदर, एज पर योर टेस्ट आप डालिए शुगर इसके अंदर। और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी मैं, और मैं इसमें सेफ्रॉन के साथ मैंने मिल्क ऐड किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। हाफ डालूंगी और हाफ मैं ऊपर डेकोरेशन के टाइम पर रखूंगी, इसको डेकोरेट करते टाइम। सो अब मैं इसे एक बार ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, और आपने इसे चिल्ड करना है सबसे पहले, तो इसे ठंडा कर लेना है। देन इसे गरम गरम पूरी के साथ में सर्व करना है। और इसके ऊपर में ये जो सेफ्रॉन मिल्क है ये बस इस तरीके से डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारा आमरस बन के रेडी है।